राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार गुट के अमोल मिटकरी पूरे परिवार के साथ विधान भवन पहुंचे। इस दौरान हमारे संवाददाता क्षितिजा देशमुख ने उनसे खास बातचीत की, आइए डालते हैं एक नजर। विधायक अमोल मिटकरी हमारे साथ है, वो पूरे परिवार के साथ शीत सत्र के पहले दिन यहाँ पहुँचे हैं और खास अट्रैक्शन रहे उनके बेटे जो है उनके द्वारा जो अजीत पवार की नामों की जो जयकारा लगाया जाता है, घोषणा की जाती है, वो अभी से ही कर रहे हैं। मतलब जो कहते हैं कि बचपन से ही घर से ही हमें सीख मिलती है, वो सीख शायद उसे मिल रही है। सर क्या बताओगे, आप पूरे फैमिली के साथ पहले दिन आए हो, क्या बताओ? देखिए, किसानों के हित के लिए अधिवेशन लिया जाता है नागपुर में, विदर्भ में, इसलिए फैमिली को यहाँ पे लेके आया हूँ कि उनको भी अधिवेशन किस तरीके से चलता है वो देखने को ना। मेरी मम्मी भी साथ है, मेरी पत्नी साथ है, मेरे दोनों बच्चे साथ है और आज नागपुर अधिवेशन में मैं चाहता हूँ कि वो भी पूरी तरीके से हाउस कैसा चलता है वो देखे। स्कॉटिश पार्लियामेंट में भी आगे चल के अगर उनको ले जाने का काम गिरा तो मैं ले जाऊँगा। और ये पैदाइशी अगर बाय बर्थ अगर इनको बताया जा सके किसानों के किस तरीके से सवाल यहाँ उठाए जाते हैं, अगर ये अभी से सीख ले तो आगे का इनको कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे मेरे पिछली फैमिली में कोई पॉलिटिकल नहीं था और मैं भी नहीं चाहता हूँ कि कोई पॉलिटिशियन की तरह बिहेव करे। हम किसानों के बेटे हैं, किसानों की तरह रहे और किसानों के ही बातें हाउस में आए, इसलिए मैं दिखाने के लिए उनको दो दिन के दौरे पर यहाँ पर लाया हूँ। इस तरह से आपने अभी कहा कि किसानों के लिए ही मैं हाउस में आया हूँ। आज हमने देखा कि पूरा महाविकास आघाड़ी जो थी एक साथ दिखी और पूरी हंगामेदार एंट्री उनकी पहले दिन रही। क्या कहोगे, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे जो नारे लगाए या गले में संतरे की माला पहन के जो है किसानों को मुद्दों को हाईलाइट। अधिवेशन में अगर आप नागपुर में पूरा कवर करने के लिए, अगर आप, मुझे नहीं पता आप थे कि नहीं थे, मैं भी था अपोजिशन में तो उसी पर वहाँ पर बैठ के आंदोलन करता था। ये समय का चक्र है, काल की महिमा है। आज वहाँ पे बैठने वाले कब सत्ता में आएंगे कहीं भी पता नहीं चलेगा। जिस तरीके से वो पूरी महाविकास आघाड़ी वहाँ बैठी थी उसमें से ज़्यादातर लोग आपको आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पे दिखेंगे। और ये सिर्फ तकलादूपना जिसे कहते हैं कि भाई हमें किसानों के बारे में देखो हम कितने गंभीर है, तो वो उतने गंभीर नहीं रहते। ये सिर्फ अपना पॉलिटिक्स आगे चलाने के लिए। अभी आज जो उन्होंने आंदोलन किया उसमें दम कहाँ था, सब बाहर जाने के बाद हंस रहे थे वहाँ पर, उसकी कोई सीरियसनेस उनको नहीं है। कभी कौन किस मोड़ में कब किस चक्कर में आ जाए तो आने वाला समय बताएगा। आपने अभी कहा कि जो अभी आंदोलन पे बैठे थे वो अगले बार आपके साथ दिखने वाले हैं, तो कितने विधायक आपके साथ आ रहे हैं और कौन से पार्टी से? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा के नेतृत्व में जिस तरीके से काम कर रही है मुझे विश्वास है अभी जो चुनाव आयोग का जो फैसला आएगा उसके पहले ही बहुत सारे विधायक आपको दादा के साथ देखेंगे। दो मंत्रीगण भी शपथ लेंगे मंत्री पद की। अधिवेशन का कार्यकाल समाप्त होने दो, पूरा पिक्चर आपके सामने क्लियर हो जाएगा। ये थे अमोल मिटकरी जी और उन्होंने परिवार के साथ शीत सत्र के पहले दिन जो है विधान भवन में वो आए हैं और जिस तरह से पूरा उन्होंने ब्यौरा देते हुए कहा कि आज अधिवेशन के बाद जो है पूरी सत्ता जो है या जो लोग अभी भी विपक्ष में है वो हमारे साथ आएंगे। कैमरा पर्सन अजित कुंवर के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।